अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाक टूर पार्ट 3। तो दोस्तों, लाहौर को एक्सप्लोर करने के बाद हमने फैसला किया इस्लामाबाद जाने का। लाहौर में फेमस चिंची में सफ़र करने के बाद हम शिनवारी होटल पहुंचे, जहां पर हमने लंच किया और लंच के बाद हम रवाना हुए नियाजी एक्सप्रेस टर्मिनल की तरफ, जहां पर हमें बस की टिकट बुक करनी थी ताकि आगे का सफ़र बरकरार रहे। बस की टिकट हमें मिली 900 रुपये पर हेड मलाई मार के। तो दोस्तों, नियाजी एक्सप्रेस के सर्विस के बारे में अगर बात करें तो लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले सफ़र में हमें एक टाइम के खाने का बॉक्स मिला, जिसका रिव्यू मैंने और अनबॉक्सिंग मेरे खलील फ्रेंड ने किया, और बॉक्स में क्या निकला वो आप वीडियो में खुद देख ले। आप क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? मुझे तो लगा ये डब्बा खाली है, मुझे लगा ये जब मैं खोलूँगा माता हूँ मुझे लगा कि मैं जब खोलूँगा इसमें होगा कि आपके साथ प्रैंक हुआ है, वो लगा कैमरा हाथ दिला तो इसमें ये निकल गया। देख सकते हैं आप, रिव्यू करवाइए। आप चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। यार ये मेरे कपड़े क्यों लग रहे हैं जैसे मैंने लड़कियों वाले कपड़े पहने? माता हूँ तुम लड़कियों वाले कपड़े तुमने लौंडे से खरीदे? मुझे अपने खलील के साथ थोड़ा सा पूछूंगा ज़रा। ठीक है, मैं आपसे पूछने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खलील अहमद, आप मेरा चैनल चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये बॉक्स की क्वालिटी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। इसमें 5 दस्तफा बाइक ही देते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो योयो वाली सिंह के काफ़ी प्रीमियम पैकेज है। अच्छा, इसके साथ चार्जर मिलता है, चार्जर के साथ ये हैंड फ्री। और कंपनी वाइज देखा जाए तो काफ़ी मतलब क्वालिटी वाइज और प्रीमियम डिज़ाइन है, स्ट्रॉन्ग है। आप अगर रफ करेंगे इसको स्क्रैच प्रूफ है, स्क्रैच नहीं होगा, वाटर प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ। और इसको अगर हम खोलते हैं पहले, दोस्तों नियाजी एक्सप्रेस के सर्विस के बारे में अगर बात करें और सफ़र की बात करें तो बहुत ही उम्दा सफ़र था। दोस्तों, सफ़र के दौरान खलील अपने लैपटॉप में डेटा बैकअप लेते रहे ताकि हमें मोबाइल में आगे स्पेस मिल सके। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंचे इस्लामाबाद उमेर के फ्रेंड के बैठक पर, जहां पर सबसे पहले तो हमने अपने मोबाइल चार्ज किए और खाना खाने के बाद सोने की तैयारियों में लग गए। दोस्तों, सुबह हमारा प्लान था शाह फैसल मस्जिद जाने का, जिसके लिए उमेर भाई ने 2 टैक्सियाँ अरेंज की और उसी टैक्सी को उमेर भाई भगाते हुए हमें लेके गए शाह फैसल मस्जिद। दोस्तों, बाकी की व्लॉगिंग आपको खलील भाई दिखाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग आए हुए हैं फैसल मस्जिद पे और गर्मी बहुत पड़ रही है, यानी धूप है। कल लाहौर में माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा था और परसों भी, लेकिन यहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो रही है। सुबह को क्लाउड्स थे लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मी है। और ये हम ये रहा फैसल मस्जिद और सारे दोस्त आगे जा रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने वाटर की भी सेटिंग नहीं की, खाली पड़ा हुआ है बोतल, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरा बड़ी, मेरे साथ ही हम सब साथ हैं, लियाकत अली खान ऑफिशियल, चेक दिस आउट, बीइंग गेमर के नाम से चैनल है यूट्यूब का। और कराची में और यहीं पे सेम ही गर्मी यार, गर्मी नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब शाम को यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, मतलब अच्छी होती है। कराची में गर्मी तपिश होती है, अभी तो गर्मी है सेम। हाँ, खैर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। थिंक फॉर कीप होपिंग बस। डार्क इमेज चाव में आओ तो तस्वीर काफ़ी डल हो जाती है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं मॉस के उस साइड पे, फैसल मस्जिद के उस साइड पे जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ से तस्वीर भी सही आएगी और वीडियो भी सही आएगी। हमारी अभी भी ये ब्लैक इमेज ये काफ़ी वाइट कलर हो जाएगी। अच्छा, ये देखे नियाज, उमर हमारे साथ है, अजहर है, सब है, इमरान, हुसैन भाई, ये हाँ ये गाइड करेंगे हमें माशाल्लाह, ये हम लोग इनके यहाँ मेहमान आए हुए। ठीक है, और हुसैन बताओ यार, ये कितनी बार विजिट किया है इसलिए ये फैसल मस्जिद? मेरा तो फर्स्ट टाइम है। 4 दफ़ा? अच्छा, यहाँ का रिहायशी है ये, इस्लामाबाद का फेज एट? मैंने 77 दफ़ा किया। खयाबाने मोहम्मदपुर में रहता है। क्या कह रहे हो? ये धूप वाला वाना तो बहुत ज़्यादा लग रहा है यार, हमें धूप लग रही है। वो वाला वाना तो कोक हो गया है, ये कोक हो गया, लेकिन वहाँ फैमिली बैठी हुई है, हम आपको दिखा नहीं सकते, अच्छी बात नहीं। इट्स वेरी रूड, यू नो, कहाँ जा रहे हो? इट्स वेरी रूड।
हेडिंग टुवर्ड फैसल मस्जिद। व्लॉगिंग करना और साथ में चलना फिरना बड़ा मुश्किल है यार, आज पता चला यूट्यूब वाले कैसे कर लेते। ओ भाई प्रॉब्लम क्या है तेरे को? जगह बड़ी प्यारी है यार, देख चलो रास्ता, देखो रास्ता ना को और कुछ नहीं रास्ता। चलो शाबाश, चलो जूही चावला। फैसल मस्जिद नॉट कमिंग स्लो यो। वीडियो ग्रैंड मंग देर ग्रैंड यू। वैसे यार मानना पड़ेगा मेरा स्टेमिना माशाल्लाह अच्छा है इनसे। देखो मैं आगे भी चल रहा हूँ, व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, गर्मी भी लग रही है, प्यास भी लगी हुई, बल्कि वो एकदम ओके है सब। तेरा बैग मैं लेके जाता हूँ, बैग भी मैंने पहना हुआ है यार, व्यूअर्स देख सकते, बैग भी मैंने पहना हुआ है। अब देखो बैग भी मेरे पास है सब कुछ, फिर भी कितना मासूम बनता हूँ आप सब देख सकते हैं यार। बैग है बिहाइंड द सीन्स अलग कहानी है, लेकिन यार आप मुझे जानते हैं सब, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ। सीन में दिखाऊंगा क्या होता है बिहाइंड द सीन। यार नहीं यार ऐसा नहीं करो यार, नहीं यार देखो यार मेरी असलियत पता चल जाएगा भी तो भाई मैं होनेस्ट हूँ आप लोगों से, सीधी बात, मेरा डुअल फेस नहीं, सिक्के के दो रुख नहीं है मेरे, सिंपल एक ही। हम मौजूद हैं मार्गला हिल्स पे, ये है मार्गला हिल्स सारी, तो टॉप राउंड अबाउट मैं दिखा सकूँ। और टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे एटलीस्ट मुझे गर्मी नहीं लग रही यार, सिंपल। और ठंडा पानी भी पीने को मिला, मार्गला हिल्स के जो स्टाफ है इन्होंने ही मुझे हमें प्रोवाइड किया काफ़ी ठंडा पानी, थैंक्स टू देम। रेंजर्स वाले ये लोग ना, रेंजर्स वाले, ठीक है मार्गला हिल्स के रेंजर्स वाले। और मेरे ख्याल से शूट फोटोग्राफी वगैरह भी हो रही काफ़ी, ये लोग है फोटोग्राफी के लिए। अच्छा बड़ा यार ज़बरदस्त टाइप की जगह है, मतलब सुकून मिल रहा है यार, इसकी फीलिंग्स मैं आपको बता नहीं सकता, आप फील करेंगे खुद आएंगे तो फील होगा, वरना तो ऐसे अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता आपको यहाँ की फीलिंग्स। यहाँ की हवा की खुशबू जो है ना दिल को छू लेती है भाई। अच्छा रेंजर्स वाले पता नहीं अपनी ज़बान में बोल रहे होते, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर पंजाबी कौन सी, पंजाबी हाँ अच्छा। क्या हुआ भाई? मुझे भी हमें भूख लगी है। और हमारा सारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है भाई, वी आर नॉट कैमरॉन ब्रदर्स, वी ऑल हैव टाइम माशाल्लाह। ये लियाकत ही रंग पापा की रहे, ये हमारा पापा की है, ठीक है गिम्बल लेके घूम रहे हैं खाली, वो भी खाली लेके घूम रहा है। दोस्तों शाह फैसल मस्जिद को एक्सप्लोर करने के बाद हमने लंच किया, और लंच के बाद हम रवाना हुए मरगला हिल्स पर, और उमेर भाई ने हमें फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का एक्सपीरियंस रियल में दिखा दिया।
वाले से मिला, हर किसी से मिला है, बस बदकिस्मती यह थी कि अब तक मुझसे नहीं मिला था। आज मैं मिला उनसे, उनकी जीवन सफलता पूरी हो गई, मतलब वो अभी चैन से मर सकते हैं। खुशनसीब बंदा था वो पान वाला बंदा, ठीक है। और मतलब पान तो 80 रुपये का तो ज़्यादा था, क्योंकि हमारे इलाके में ही 10 रुपये का मिलता है, बट मतलब वो एक स्वैग लेवल इक्वल करना था ना, इस वजह से हमने खा लिया।